मित्रों, हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे तो भोजन में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए, ये लोगों का अपना निजी फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषिद्ध मानते हैं। वही उनमें से कुछ लोग मांसाहार को काटकर और मारकर खाते हैं। आज भी ये कार्य हमें कई जगहों पर मिलता है। एक और मांसाहार का ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी खाने वाले लोगों को घास पूछ वाले लोग बताते हैं। और दूसरी ओर देखे तो शाकाहारी खाने वाले लोग वह मांसाहारी खाने वाले लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले लोग मानते हैं। लेकिन मित्रों, आप आंख बंद कर आप किसी बात को मानना नहीं है। और ये लक्षण बुद्धिमान लोगों के ये लक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में शाकाहारी और मांसाहारी उन दोनों में कौन सा आहार उत्तम माना गया है? हिंदू धर्म में मांस खाना मना है कि नहीं, इस बात को लेकर कई लोग के मन में शंका होती है। इसका कारण कुछ लोगों के मन में वेदों के विषय कुछ प्रकार की शंका पैदा होती है, जिनके वजह से वह समझते हैं कि वेदों में मांसाहार का विधान लिखा हुआ है। लेकिन मित्रों, ये आपका भ्रम है। वेद और पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। वेदों में पशु हत्या पाप माना गया है और मांस खाने के संबंध में बताया गया है कि मांस नहीं खाना है। इतना ही बल्कि कुछ प्राणियों के मांस खाने का उपचार भी उसमें लिखा गया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि मनुष्यों को परमात्मा को सभी गई रचनाओं से मनुष्य को अपने आत्मा समान मानना चाहिए। जैसे पानों को चाहते हैं वैसे ही दूसरों का हित करना चाहिए। और जिस तरह आप अपना बहुत अच्छी तरह से आप अपना ख्याल रख पाते हो, वैसा ही हमें दूसरे प्राणी और जीव जंतु का ख्याल रखना चाहिए। वैसी ही अर्थवेद में कहा गया है कि ये मनुष्य, तुम चावल, गेहूं, दाल आदि आहार के रूप में तुम ग्रहण करते हो, वही तुम्हारे लिए वही उत्तम माना गया है। तुम कभी भी नर या प्राणी का हिंसा मत करो। वही बात ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा करने की ही समाज की उन्नति है। मनुष्यों को सभी प्राणियों की रक्षा अपने जीवन से ज्यादा करनी चाहिए। इस भागवत गीता में मांस खाने या नहीं खाने की वजह की बात तीन चरणों में उस बात को विभाजित किया गया है, जिसमें सत्व, रजवर और तमस को इन तीनों में मांस का उल्लेख किया गया है। गीता के अनुसार अन्न से ही आपके मन के विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक का भोजन करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीजों को तामसिक भोजन कहा जाता है। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्म, रोगी, एक दरिद्री की तरह रहना, दुखी और सदा के लिए आलसी बन जाते हैं। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और उसका आयु को लंबा कर देता है और उनका मन को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिस कारण वह बलबुद्धि और आयु को बढ़ने में हमें इस हिंदू की तरह हमें शाकाहारी का भोजन खाना चाहिए। ठीक वैसे ही गरुड़ पुराण में बताया है कि जिसमें हमें श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस कथानुसार बचपन में एक दिन श्री कृष्ण तब यमुना किनारे पर एक पाइपेट के नीचे एक दिन बांसुरी बजा रहे थे। ठीक उसी समय पर उसके पास एक हिरण दौड़ता हुआ आया था और उनके पीछे जाकर वह चुप गया था। तब हिरण बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने हिरण के माथे पर हाथ हिलाया और तब हिरण को पूछा, क्या बात है? हिरण, तुम बड़ा घबराकर यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर एक शिकारी आ गया। तब शिकारी बोला कि ये मेरा शिकार है, तुम मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उनका हक होता है, न कि किसी और का हक होता है। ये बात सुनकर शिकारी को बड़ा ही क्रोध आ गया था। उस शिकारी गरजते हुए कहा, ये मेरा शिकार है,
जिसे मैं पकाकर खाऊंगा। ये बात छोड़ो, तुम मुझे अपना ज्ञान मत दो। इस प्रकार ये बात भगवान श्री कृष्ण दोबारा बोले कि किसी भी प्राणी को मारना या जीव को मारना ये बड़ा ही पाप है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? तब वह शिकारी बोला कि मैं आपकी तरह बहुत ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं क्या जानूं कि मांसाहार पापा है या पुण्य, ये बात नहीं जानता हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं यदि ये शिकार नहीं कर पाया तो मुझे ये खाना नहीं मिल पाएगा। मैं इस हिरण को इस जीवन से मुक्त कर मैं तो पुण्य ही तो कमा रहा हूँ। फिर आप क्यों मुझे इस पुण्य को कमाने से मुझे तुम रोक रहे हो? जहाँ तक मैंने सुना है कि जीव हत्या तो शास्त्रों में उसका उल्लेख किया गया है, तब राजा भी शिकार करते थे, तब ये पाप नहीं कहलाता था और इस पाप का मैं ही क्यों अब भोगी बनूं? तब शिकारी ने श्री कृष्ण से पूछा, अब आप ही बताइए कि मांसाहार पाप है या पुण्य, इसके बारे में बताइए। तब शिकारी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये शिकारी मांसाहार खाकर अपनी बुद्धि नष्ट कर बैठा है। इसके अंदर सोचने और विचार करने वाले भी विचार उसके अंदर नहीं, बल्कि ये बात को पूरा ही समझता ही नहीं है। इसलिए इस शिकारी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई। तब भगवान श्री कृष्ण उसको एक कथा सुनाते हैं कि एक बार मगध में अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहाँ के राजा को बहुत चिंता होने लगी और मन ही मन में सोचते रहे कि इस समस्या का निदान होगा कि नहीं होगा, तो ये कोठार के भरे हुए अनाज भी कम हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। इस समस्या का हल करने के लिए राजा ने मंत्री एवं सभी राजदरबारी और मंत्री परिषद में राजदरबार में सभी को बुलाया और ये बात सभी से पूछा कि इस राज्य में इस भूखमरों की समस्या का इलाज करने के लिए हम क्या करें। ये बात सुनकर सभी मंत्रीगण सोचते रहे, यदि हम चावल गेहूं को उगाने के लिए हमें बहुत ही श्रम करना पड़ता है और उसमें भी समय काफी ज्यादा लगता है। तभी शिकरा करने वाले एक मंत्री ने खड़े हुए कहा कि करने वाले महाराज ने कहा कि सबसे आसान तरीका मांसाहारी है, इसमें धन भी खर्चा नहीं होगा और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। इस बात को लेकर सबका समर्थन मिलता है। तब राजा वहां पर शांत होकर सबकी ओर देखता है और उसके बाद मंत्रिप ने कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि मांस ये सबसे सस्ता पदार्थ है, ये नहीं मानता हूँ। फिर भी मैं इस विषय पर मैं आपको कल ये बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री जब उस मांसाहार के घर जाकर उनसे कहा कि संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है, तब वैद्य ने कहा कि तब कुछ शक्तिशाली प्राणी का मांस यदि मिल जाए तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तब उसने कहा कि आप मेरे पास सब कुछ मांग सकते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा हृदय निकालकर राजा को दे देता हूँ और तभी राजा ठीक हो जाएंगे। इस कारण वहाँ सब खुश हो गए, जिस कारण से शिकारी के अंदर बड़ा प्रभाव हुआ और कहने लगा मैं आज ही मांस खाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।